सोलन जिला की बैठक भाजपा के दीप कमल कार्यालय सोलन में आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक विक्रम मट्टू ने की। बैठक में शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रोफेसर बीरेंद्र कश्यप ने युवाओं को संबोधित किया और आने वाले 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर कमर कसने का आह्वान भी किया। सोलन जिला की बैठक भाजपा के दीप कमल कार्यालय सोलन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक विक्रम मट्टू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रोफेसर बीरेंद्र कश्यप ने युवाओं को संबोधित किया और आने वाले 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर कमर कसने का आह्वान किया। हिमाचल आईटी और सोशल मीडिया के प्रभारी सुमित भसीन और भाजपा आईटी विभाग हिमाचल प्रदेश के संयोजक चेतन ब्राक्टा विशेष रूप से इस बैठक में मौजूद रहे। संयोजक चेतन ब्राक्टा ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया पर झूठी खबरें डालकर मतदाताओं को भ्रम में डालना चाहती है, लेकिन उनका आईटी सेल झूठी खबरों पर नकेल कसने का कार्य कर रहा है और कांग्रेस की झूठी खबरों का तुरंत खंडन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर भाजपा का किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि देश के पीएम मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में वह इतने सक्षम है कि कांग्रेस का किसी भी तरह से झूठा प्रसार नहीं चलने देंगे। आज हम यहाँ सोलन जिला में आए हैं, सोलन जिला की बैठक है। हमारे बीच में आज सुमित भसीन जी भी आए थे जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं चुनाव की दृष्टि से आईटी और सोशल मीडिया के, तो उनका भी हमारे को आज मार्गदर्शन मिला। वीरेंद्र कश्यप जी ने इसकी क्लोजिंग करी, उनका भी मार्गदर्शन मिला। देखिए, क्योंकि चुनाव अब सिर्फ 20-25 दिन दूर हैं, कैसे आईटी विभाग उस पर अपनी रणनीति को सफल तरीके से ग्राउंड पर लेकर सके, उस बारे में हमने चर्चा करी। कैसे हम कांग्रेस के फेक न्यूज़ को रोक सकें, जो एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है आस्ते आस्ते। आजकल कांग्रेस बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैला रही है, उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर रणनीति बनाई। आगे आप देखेंगे 2-3 दिन में हम कांग्रेस के जितनी भी फेक न्यूज़ आती है वो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको हम रोकेंगे, और हम सारी चीज़ें जो भी गड़बड़ कांग्रेस कर रही है फेक न्यूज़ के द्वारा, हम उसको इलेक्शन कमीशन में ले जाएंगे। अगर आईटी की बात करें तो मेरे को लगता नहीं हमारे पे कोई चुनौती है। आज की डेट में हम कांग्रेस से बहुत ज़्यादा आगे हैं, जब हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल फुटप्रिंट्स की बात करें। कोई चुनौती नहीं है, जयराम जी के और मोदी जी के नेतृत्व की वजह से हम यहाँ 4 की 4 सीटें जीत रहे हैं। सुरेश कश्यप जी बहुत अच्छे मार्जिन से जिला सोलन ही नहीं, पूरे शिमला पार्लियामेंट्री में बहुत अच्छी लीड लेने वाले हैं इस बारी, और बहुत ऐतिहासिक जीत ये होने वाली है। और शिमला पार्लियामेंट्री को हम तीसरी बारी, मतलब यहाँ हमारी हैट्रिक लगने वाली है। और हम ये चीज़ भी यहाँ से मैं आपके श्रोताओं को बता दूँ, ये जो ये कांग्रेस सोचती है कि उनकी ये ट्रेडिशनल सीट है, उनका ये मिथ भी ब्रेक होने वाला है। अब ये ट्रेडिशनल सीट बीजेपी की होने वाली है इसके बाद। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।